अभी हाल ही में सोनी टीवी का नया शो पृथ्वी वल्लभ बड़े ही शानदार तरीके से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के मौके पर इस सीरियल के स्टार कास्ट पहुंचे थे, तो वहीं इस मौके पर हमारी टीम भी पहुंच गई। आइए जानते हैं इस सीरियल के बारे में। तो जर्नी बहुत कमाल की रही है, 1.5 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा करने का मौका मिला जहाँ पर सोच बहुत अच्छी थी, विजन बहुत अच्छा था, और उसी के मद्देनज़र मैंने ये प्रोजेक्ट भी चुना, क्योंकि कहानी किरदार उनसे ज़्यादा ये कोशिश है, एक बेहतरीन पॉजिटिव कोशिश एक नई सोच लाने की इस हमारा जो ये टीवी का माध्यम है इसमें, तो उस कोशिश ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मैं किसी भी कैपेसिटी में उसका हिस्सा बनना चाहता था। और फिर पाठक सर थे और उनके साथ एक पर्सनल इक्वेशन है पहले से, और जब उन्होंने इनिशियल स्टेज पे इस बारे में कहा तो बड़ा मजा आया सोच के साथ में चलने में। तो एनपीजी, इस तरह का भव्य शो दर्शक रोज देखना चाहते हैं, इसको सैटरडे संडे के स्लॉट में क्यों रखा आपने? ये बात मैं मानता हूँ, दर्शक हर रोज देखना चाहेंगे, लेकिन इसको डेली बनाना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा दानिश और अनिरुद्ध ने पहले कहा, आशीष ने भी कहा था, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है, 1.5 बरस लगे रिसर्च करके, एक फाइनाइट स्टोरी हम लोगों ने इसकी पहले तय की, उसके बाद ये एपिसोड्स को लिखा गया, वो सब लिखे जा चुके हैं और अब अंडर प्रोडक्शन है। इसको डेली में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जो हमने सोचा शायद ये शो एक अपने आप में 1 आवर स्लॉट डिजर्व करता है, और वीकेंड पे ऑडियंसेस सबसे ज़्यादा होती हैं टीवी पे, उनके लिए ये शो बनाया जाए, और यही हमारी कोशिश है। पहला चीज़ है कि बहुत अच्छा शो है। आप अगर जस्ट टू गिव यू अ लिटिल, गेम ऑफ थ्रोन कोई बहुत नोन स्टोरी नहीं है, या 300 भी नहीं है, या वैसे देखा जाए तो काफ़ी कुछ ग्लैडिएटर भी हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन जो एक कहानी है, जो किरदार है और जैसे बना हुआ है, वो दर्शकों को लेके आता है। तो हमारा जो पहला चीज़ है कि इतिहास में पृथ्वी वल्लभ थे, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास इतना बड़ा है, इतना, इट्स अ कंटिन्यूस, इट्स परहैप्स द ओनली कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है, और उसमें बहुत सारे ऐसे राजा हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ सिर्फ पृथ्वी वल्लभ, बहुत सारे ऐसे राजा हैं, बहुत सारे ऐसे महानायक हैं जिनके बारे में शायद आज हम कम जानते हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन मीडिया से तभी आएगी जब हम हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन से हीरोज़ को लेके आएँ, क्योंकि हीरोज़ जब आते हैं हमारे सामने इतिहास के किताबों में या आजकल टेलीविज़न में या फिल्म में, तो वी रिविजिट आवर कल्चर, वी गेट इंस्पायर्ड, यू नो। तो पृथ्वी वल्लभ हमारे लिए जो सोनी ओरिजिनल का थॉट था कि ऐसी कहानी बताएं जहाँ पे ग्लोबली लोग देखें, इंडियन कहानी और बहुत ही रेलिवेंट है, तो हमें लगता है कि पृथ्वी वल्लभ में वो सारी बात है जो हिंदुस्तान में भी लोग देखेंगे और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग देखेंगे, और हमें वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द व्यूअरशिप।